नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन पप्पू यादव ने बड़ा बयान दे दिया था। आपको याद होगा कि पप्पू यादव ने साफ साफ कह दिया था कि अगर सिवान में हिना शहाब जीतती हैं तो ये इंडिया की जीत होगी। जिसके बाद आपने ये भी देखा था कि हिना शहाब भी सामने आई थी और साफ साफ कह दिया था कि पप्पू यादव हमारे प्रवक्ता नहीं है, यानी कि पप्पू यादव और हिना शहाब के बीच में तकरार हो गई थी। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको भी जी। अरुण जी, सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे आपसे, ये जो बयान दिया था पप्पू यादव ने बीते दिन, उस बयान को आप कैसे देखते हैं? पप्पू यादव का बयान तो सीधा है ना। देखिए, भले कांग्रेस में है वो, राजद की आपत्ति, राजद के विरोध के कारण वो निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, अभी भी उसी फोल्ड में है, कांग्रेस के लिए झंडा उठा रहे हैं, रायबरेली घूम रहे हैं, और अब कांग्रेस का उनके प्रति अगाध प्रेम जो जगह है सो जग जाहिर है अब। लेकिन कल जो बात आपने हिना साहब के संदर्भ में जो पप्पू यादव का बयान आया, तो आउट राइट तो हिना साहब ने रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल, कहा मेरे प्रवक्ता हैं क्या वो, ये सवाल किया। जब उनसे सवाल पूछा गया, वो कौन होते हैं मेरे बारे में कहने के लिए कि मैं महागठबंधन में जाऊंगी, ये बात तो कही कि ये बिल्कुल गलत है और हम कोई फैसला लेंगे तो यहाँ की जनता हमारा मालिक है, उनके कहे अनुसार लेंगे। देखिए, अभी ये स्वीकार किया उन्होंने कि साहब के अच्छे दोस्त हैं, लेकिन प्रवक्ता नहीं है। हाँ, तो ये बात तो पप्पू यादव भी रोज कह रहे हैं कि उनसे मेरी दोस्ती थी, ये तो है ही दोनों का, उन्होंने भी स्वीकार किया। रही बात उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, क्या संदेश है, आपका सवाल वो है कि हिना साहब ने ये बात, देखिए टैक्ट है ये, ये बात तो सही है ना कि राजद के विरोध में वहाँ खड़ी है, राजद से वो अपना डिस्टेंस बना लिए हैं, और जो प्रारंभ के काल में शहाबुद्दीन का वहाँ जो इमरजेंस हुआ था अगेंस्ट माले हुआ था, तो माले के खिलाफ जब वहाँ की रणनीति राजनीति की शहाबुद्दीन ने, तो माले से कौन लोग पीड़ित थे, अब वही ना साहब ही आज उन्हीं के हमदर्द बनना चाहती हैं, उनके करीब होना चाहती हैं। वोटर्स की बात मैं कर रहा हूँ, मैंने वो वोटर्स कौन है, वो वोटर्स सब एनडीए के वोटर्स, और उनके अपने जो है, अपने का मतलब मैं मुस्लिम मतदाता कर रहा हूँ, पूरा पूरी तरह से चार्ज है वहाँ मुस्लिम मतदाता हिना साहब के लिए। अभी पिछले दिन एक वहाँ मोटरसाइकिल रैली हुई थी शहर में, उसको देखकर समझा जा सकता हो कि वहाँ जो कि वहाँ बयार किसकी बह रही है, और खासकर जो मुस्लिम यूथ्स हैं, क्या उनके प्रति हिना साहब का भी जो है कहीं जलवा। तो एक तो उस वोट को करने के लिए, और कई चर्चा में आपसे कहता हूँ, हिना साहब कहा करती थी पिछले चुनाव में कि मैं जब घूम रही हूँ तो लोग कहते हैं कैंडिडेट आप बुरी नहीं है, पार्टी आपकी बुरी है, हम लोग तो सपोर्ट करते हैं आपको। इस बात का खुलासा खुद हिना साहब ने कर दिया। इसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि इसके पीछे भी संदेश है कि भाई एम बाई में तो एम अपना ही है, और फिर उसके बाद जो दूसरे लोग हैं, एक जो समीकरण वहां रहा है, तो इस बार बहुत ही कैलकुलेटेड मूव में हिना साहब का मूवमेंट हो रहा है, नपा तोला। हाँ हाँ जी। और अब मेहनत कर रही हैं, तो इसलिए पप्पू यादव का जो बयान है ना, और पप्पू यादव ने तो कहा कि उनके लोग लगे हुए हैं वही जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज पप्पू यादव ने एक नया बयान दे दिया है, एक नया बयान उनका सामने आया है, और जब आज उनसे हिना शहाब को लेकर पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हिना शहाब की मर्जी है कि वो आगे क्या करते हैं, और ये भी उन्होंने साफ कर दिया आज कि हिना शहाब निर्दलीय ही लड़ रही है। हाँ। यानी कि यू टर्न ले लिया। बिल्कुल, अभी मैंने कल जो एक मैसेज दिया था ना, देखिए ना, कोई महागठबंधन में शामिल होने की बात यदि हो जाएगी तो राजद से लड़ाई कैसी। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में तो राजद का जो वोट है वो उसका कौन है, खेवनहार नहीं, हम महागठबंधन का खेवनहार है लालू जी, राजद है, तो उसे नजदीक की कैसे हो। कांग्रेस भी तो आज कहीं ना कहीं लालू जी की झोली में है, तो जो बात कर रहे हैं तेजस्वी ये पप्पू यादव, तो उसे कहीं ना कहीं कोई रणनीति की बात थी ना, वो अच्छा वो एक सूझबूझ से काम लिया ही ना साहब ने, और अपने को डिस्टेंस बनाया, उन्होंने पप्पू यादव से नहीं बनाया, पप्पू यादव की कही बात से बनाया। तो एक टैक्ट है ही कि भाई महागठबंधन में मैं कैसे जाऊंगी, हम तो यहाँ जो वो महागठबंधन में जाने का सवाल ही नहीं है। अच्छा,
आपसे ये भी समझना चाहेंगे अरुण जी कि क्या ऐसा कहकर पप्पू यादव ने हिना शहाब का खेल बिगाड़ दिया था और क्या आप डैमेज कंट्रोल हो गया है या अब भी हिना शहाब को नुकसान झेलना पड़ेगा? खेलना तो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि इसे कोई नुकसान झेलना पड़ेगा जी। वो इस बार हिना साहब का एक अपना वो आप देखिए वहाँ किसी का मुकाबला है तो हिना साहब से ही मुकाबला होना है, इसलिए कोई सब तरह के बयान सभी तो बहुत तरह के बयान होंगे हिना साहब की कैंडेचर पर, उनकी राजनीति पर, फिर शहाबुद्दीन कभी माले के खिलाफ हुए, फिर राजद के पीएम भी जा हाँ सब कुछ जा रहे हैं, तो कुल मिला जुला कर जो स्थिति होगी इसमें कोई किसी कहा वो जो पप्पू यादव ने एक बात कही तो उसका जोरदार तरीके से खंडन कर दिया, प्रतिवाद कर दिया, अब क्या खेल बिगड़ेगा? जो डैमेज होना था क्या डैमेज कंट्रोल हो चुका है? डैमेज कुछ नहीं हुआ, ये बयान से किसी का डैमेज होता है, अभी तो रण क्षेत्र है, बहुत सारी बातें होती हैं, अभी तो चुनाव तो अभी सिक्स फेज में ना वहाँ है, तो अब इसके पहले तो अभी देखिए ना अभी पांचवें चरण में मतदान जारी है। और पप्पू यादव कहाँ लगे, वो तो हिना साहब के लिए जब वो पूर्णिया लड़ रहे थे तभी कह दिए थे कि मैं जाऊंगा वहाँ, और उसी मीसा भारती और इसके बाद कहा कि यदि वहाँ हमारे लिए जरूरत होगी बुलावा होगा तब जाएंगे, हमारे लोग लगे हुए हैं, हमारे लोग लगे हुए हैं। तो पप्पू यादव की तो पॉलिटिकल लाइन तय है ना कि वो एंटी बीजेपी में है, उनका बिल्कुल स्टैंड क्लियर है, कांग्रेस के लिए वो सब कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें अभी नहीं आना चाहते हैं, हिना साहब ने अपने को बड़ा डिस्टेंस बनाया, उसका असर ये है, इसलिए डैमेज क्या होना, वो डैमेज ना हो इसके लिए तो पहले ही बोल दिया कि आप मेरे प्रवक्ता नहीं है, वही तो इसलिए उसको इस रूप में देखिए, उसको इस रूप में देखिए। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आज पांचवें चरण का मतदान हो रहा है, बिहार की पांच सीटों पर मतदान हो रहा है और अलग अलग जगह से अरुण जी अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। सारण से एक बड़ी खबर आ रही है, वहां पर राजीव प्रताप रूड़ी ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा दिया है, इसको कैसे देखते हैं, क्या वाकई कोई इस तरह का माहौल बना जो सारण कंस्टिट्यूएंसी की बनावट है ना जी? देखिए अंतः वहाँ सब कुछ के अलावा जो चुनाव होता है फिर वहाँ राजपूत वर्सेस यादव वहाँ की टोटल जो पोलराइजेशन इसी हिसाब से होता है। अब वहाँ लालू जी की बिटिया लड़ रही है रोहिणी, लालू जी की वो कर्मभूमि है, वहाँ चार बार सांसद रहे हैं, अब वो जब सांसद नहीं रहे तो राबड़ी देवी भी लड़ी थी, फिर अब इस बार राजीव प्रताप रूढ़ी हैट्रिक लगाएंगे कि आगे क्या इस चुनाव में होता है कि फिर रोहिणी अपने पिताजी की प्रतिष्ठा, वहाँ तो लालू जी की प्रतिष्ठा दाव पर ना है, पिताजी की विरासत जो है उसको चमकाने की भी चुनौती है जी। तो मैं मानता हूँ कि इस बार सारण में लालू जी की प्रतिष्ठा कैंप कर रहे हैं सप्ताह भर से वहाँ, लेकिन राजीव प्रताप रूड़ी ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। अभी बूथ कैप्चरिंग का कोई एक दो बूथ ऐसा बूथ कैप्चरिंग का कहीं उनको अमनौर विधानसभा क्षेत्र का 12, 13 और 14 बूथ अब उनको सूचना मिली होगी, शिकायत भी देखिए यदि बूथ कैप्चरिंग हो रही है तो प्रशासनिक विफलता ना है जी। और मारपीट और पथराव की खबर भी आ रही है सब, तो छिटपुट कहीं कुछ इस तरह की बात तो देखिए आप उन दिनों की याद कीजिए, कहीं हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, इसी के लिए तो मुकम्मल व्यवस्था करने का दावा चुनाव आयोग करता है कि हमने शांतिपूर्ण मतदान के लिए स्वतंत्र मतदान के लिए हमने पूरी व्यवस्था की है, इस तरह की छिटपुट घटनाएं कहीं होती हैं जब कहा देखिए कास्ट लाइन पर वोटिंग हो रही है उसी आधार पर मतदाताओं की गुलबंदी है, कैंडिडेट भी उसी ढंग से दो पोल के हैं, तो कुल मिला जुला कर कहीं कुछ इस तरह की घटना कभी वो दिन याद कीजिए, बिहार तो चुनावी हिंसा याद कीजिए, हम लोग तो बहुत नजदीक से चुनाव को 16-17 चुनाव असेंबली और पार्लियामेंट का हमने बहुत कवर किया है, बूथ पर सभी बूथ पर जाया करते थे तो हमने बूथ लूटते देखा है, मत पेटिका में स्याही डालते पानी डालते मत पेटिका लूट कर भाते, एक बूथ पर तो किसी की हत्या हो गई थी, हम लोग उसके बाद 10-15 मिनट बाद जर्नलिस्ट की टीम में पहले वो पहुंचने वाले थे जी। याद आता है नीतीश कुमार का वो चुनाव क्षेत्र वो नालंदा नवा इसके बाद पटना का कंस्टिट्यूएंसी हम लोग हमेशा जाया करते थे, तो इसीलिए अभी सब छिटपुट घटना को कोई लेकिन अब लेकिन रोहिणी आचार्य का खेल तो बिगड़ सकता है जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ये आज जो पांचवें चरण में चुनाव है सभी पांच सीटें एनडीए की जीती हुई सीट, तो एनडीए के लिए तो अपनी जीत पर बरकरार रखना सीट बचाने की चुनौती है, अब उसमें लालू जी इस बार कितनी अपनी ताकत, तेजस्वी ने तो काफी मेहनत की है वहाँ, तो वह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि रोहिणी के लिए जो
सिंगापुर से आई है, अभी तो यही हो रहा है। खेल बिगड़ता है या बचता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मधुबनी से भी एक चौंका देने वाली खबर आई है और वहाँ पर फर्जी वोटर्स भी पकड़ाए हैं। देखिए ये सब कुछ कोई कहीं उदाहरण के लिए अभी खबर आती है, आपने देखा एक जगह अभी पिछले दिन चुनाव हुआ, किसी ने 6-7-8 वोट डाल दिया था, वहाँ का चुनाव रद्द हो गया। कहीं इस तरह का फर्जी वोटर कोई पकड़ा है तो पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाना चाहिए। कुछ छिटपुट ऐसी घटनाओं के पीछे पूरी हमारी चुनाव व्यवस्था पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। और पहले तो आप देखिए एक एक बार कभी 50-60-70 बूथ पर एक कंस्टिट्यूएंसी में रिपोल हुआ करता था, अब वो स्थिति है क्या? इसलिए आज जो अभी रूढ़ी ने शिकायत की है, जो जिन 3 बूथों की आपने चर्चा की, हमें लगता है कि इसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की होगी और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि स्वतंत्र। लेकिन एक बड़ा आज भी हैरानी बड़ी बात है कि टोटल जो वोटिंग हो रही है ना, इस बार फिर लोग पोलिंग है। बिल्कुल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे और ये मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि 2019 की तुलना में वोटिंग परसेंटेज इस बार भी काफी कम दिखाई दे रहा है, किसकी टेंशन बढ़ा रहा है? नेचुरल है, जो जीते हुए लोग हैं उन्हीं के लिए तो वोट का मार्जिन घट रहा है। एनडीए वाले अब टेंशन में आ जाएं। आप लीजिए, यदि एनडीए वाले को टेंशन में नहीं कैसे आएंगे, एक तो चुनौती भी है। तेजस्वी भी कह रहे थे कि डिप्रेशन में आएंगे, एक तरफा लड़ाई थोड़े है। 40 में 39 सीट पर यदि जीत हाथ लगी थी पिछली बार, राजद का खाता नहीं खुला था, हालांकि 30% वोट आए थे, एक कांग्रेस की सीट मिली थी, तो चुनौती है। इसलिए एक तरफा लड़ाई नहीं है, इसका लड़ाई है सभी सीट पर लड़ाई। अब रही बात की कहीं वोट के हिसाब से, कॉम्बिनेशन के हिसाब से, जात के हिसाब से, लेकिन सब कुछ के अलावा मुद्दों में जातीयता सब जगह आ गई है। और वो चाहे सारण हो, चाहे वो किसी कंस्टिट्यूएंसी की आप बात करेंगे, चाहे वो सीतामढ़ी हो, चाहे किसी जहां भी आप हाजीपुर की बात करेंगे, सब जगह वही स्थिति। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। लेकिन तफसील से हम लोगों ने इस मुद्दे पर चर्चा की है, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।